एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को लेकर के। 484 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है, 1.75% का फ्राइडे को मूव था और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर 5 दिन के रिटर्न देखोगे तो एक बढ़िया लेवल है और अपने बॉक्स को जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसको बाहर निकल के जाकर के क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है, रिटर्न भी काफी अच्छे है, वीकली टाइम फ्रेम पे 7% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने क्या इनके काफी अच्छे टारगेट्स निकाले थे। अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो इस लिंक को ओपन करते हैं और यहां पर देखोगे एक आर्टिकल निकल के आ रहा है, टाटा पावर शेयर रिकॉर्ड हाई, मॉर्गन स्टैनली ने कितने, मॉर्गन स्टैनली ने 577 रुपए के टारगेट दिए हैं, जबकि अगर मोतीलाल ओसवाल का अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल ने भी 530 रुपए के आसपास के टारगेट हम लोगों को देखने को मिले हैं मोती ओसवाल की तरफ से, तो काफी अच्छे हैं। और यहाँ पर 40 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी इंडिया सोलर पावर, इंडिया पावर सेक्टर सेट टू मल्टी डिकेड बूम, तो क्योंकि अभी भी कई गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है तो एक पावर सेक्टर अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज यहां पर अवेलेबल है। खैर हम लोग अभी थोड़ा सा टाइम फ्रेम में देखने वाले हैं क्योंकि पैसे तो टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी काफी शानदार है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देखने को मिल सकती है तो वहां पर हम ये स्टॉक को भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मार्केट कैप देखोगे कंपनी का 1,55,000 करोड़ पहुंच चुका है। हम लोगों ने इसको पहले भी कई बार कवर किया है, 200 रुपए चल रहा था, 205 रुपए, 230 रुपए, और कहा था ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म के लिए, अब ये शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा है। हालांकि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज काफी है, लेकिन एसआईपी में भी काफी 1-2 साल की एसआईपी में है क्योंकि वहां से काफी लेवल बढ़ चुका है। स्टॉक का पीवी देखोगे 42 के नियर पहुंच चुका है, तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ी सी अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी जब 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था मल्टीपल टाइम में, क्योंकि मैंने कहा था ये प्राइस हार्डली है कि वापस जब 90 रुपीज पर ट्रेड करता, हार्डली है कि अब ये प्राइस हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि एक काइंड ऑफ जो लोग थे वो लोग जा चुके हैं, अब सिर्फ नए इन्वेस्टर्स हैं जो अब आगे स्टॉक को अब लेके जाएंगे और स्टॉक वहां से काफी अच्छा किया भी है, वो जब टेक्निकल देखेंगे तब हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट सॉरी फंडामेंटल देख लेते हैं। स्टॉक का पी देखोगे 42 पे ट्रेड कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, डेट देखोगे तो हाँ डेट कंपनी पर अच्छा खासा है 52, लेकिन पावर सेक्टर कंपनी है डेट तो बनता ही है। इंट्रेंसिक वैल्यू 159 की रुपए की देखने को मिलती है, क्योंकि स्टॉक का पी थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, डिविडेंड भी कोई खास नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपए की देखने को मिलती है और हाई लो की बात करें 231 रुपए का लो है और अभी कल ही इसने 495 का अपना हाई भी लगाया है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो सेल्स लगातार अगर जून 23 से देखोगे तो 15,213 करोड़ की थी, फिर 15,738 करोड़ हुई, फिर हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला, फिर यहां से फिर से बूम कर गई और अब थोड़ा सा फिर से अच्छा चल गया और अपने सेल्स अगर देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पर है और स्टॉक का प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। मार्जिन देखोगे 18% के निकल के आते हैं, काफी अच्छे हेल्दी मार्जिन हैं, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन है। हालांकि अडानी पावर है, बाकी कंपनी देखोगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी उनकी कंपनी, क्योंकि वो एक थर्मल पावर है और ये इनका वाइड रेंज है और ये लगातार अपना एक्सपेंशन करते जा रहे हैं और आप लोगों देखा होगा दिल्ली वगैरह में कि इनके काफी अच्छे जो गाड़ियों के चार्ज करने के हैं तो वो काफी अच्छे लगे हुए हैं टाटा पावर के इवन। तो चलिए लास्ट टाइम से अगर देखोगे तो 1,141 करोड़ से बढ़कर ये 1,189, हालांकि कोई बहुत बड़ा बूम नहीं था और यहां से भी देखोगे तो हल्का सा ही जंप देखने को मिला, लेकिन स्टॉक का प्राइस काफी अच्छा जंप कर गया है। बैलेंस शीट देखो ये काफी हेल्दी है, लगातार अपना प्रॉफिट रिजर्व बढ़ाते जा रहे हैं, हालांकि डेट भी अगर देखोगे तो डेट कम नहीं हो रहा है, हालांकि एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात यहां पर देखने को ऐसी कोई देखने को नहीं मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, एफआईआई का देखोगे एफआईआई ने ऐड किया है और डीआई ने भी अपना ऐड ही किया है, मतलब कोई घटाया नहीं है, अपना ऐड ही कर रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग एज यूजुअल थोड़ी सी रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है, गुड थिंग। अब देख लेते हैं टेक्निकली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए टेक्निकली क्या हुआ था, जब लास्ट टाइम स्टॉक कुछ यहाँ ट्रेड कर रहा था 190 रुपीज के आसपास, 194 रुपीज पे, तब ये स्टॉक मैंने कवर किया था कि इनका हार्डली है अब ये प्राइस हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है और जो सेलर्स हैं वो जा चुके हैं और थोड़ा सा अगर और बेटर प्राइस में अगर 150 के आसपास और अगर डिप मिलती है तो और खरीदना चाहिए, लेकिन वो डिप कभी आई नहीं और स्टॉक यहाँ से घूमा और अभी तक लगातार अच्छे लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है 50 MA के पास में अगर देखोगे या 20 MA के पास में भी देखोगे तो काफी अच्छे से ये स्टॉक अभी तक सपोर्ट लिए हुए हैं। यहाँ पर देखोगे काइंड ऑफ एक बॉक्स का पैटर्न बना हुआ है,
एमआर हटा देते हैं। अगर एक बॉक्स का यहाँ पर रैली आई, ब्रेकआउट आया, रैली आई, कंसोलिडेट कर रहा था काफी, देखा जाए तो अप्रैल के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद में ये ब्रेकआउट कैंडल हम लोगों को इस वीक में देखने को मिली है। तो अब यहां से क्या, तो अब यहां से देखोगे तो जो मॉर्गन स्टैनली के टारगेट है वो तो कुछ 570 रुपीज, 575 577 के रुपीज के टारगेट है, लेकिन मैं यहां से एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम 540 रुपए, 550 रुपए के आसपास के टारगेट यहां से हम लोग लेके चले। क्यों? चलिए, इसके लिए सीधी सीधी कुछ नहीं करना है, हम लोगों को एक इन्फो लाइन लेनी है। इन्फो लाइन लेने को लेकर के इसके लो से अगर हम लोग कनेक्ट करें और इसके हाई तक जाए और यहां पर इजिली रख देते हैं, तो 550 रुपए का इजिली हम लोगों के लिए टारगेट निकल के आ रहा है। तो यही टारगेट हम लोग लेकर के चलेंगे, ज्यादा कुछ टारगेट लेने लेकर के चलने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन थोड़े से हाई देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली रिटेस्ट का हम लोग वेट करने वाले हैं, 560 570 रुपीज एक अच्छा प्राइस देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो ये थे टाटा पावर को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर किसी स्टॉक को लेकर के रिगार्डिंग आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।